जीवन में हर किसी दंपति का सपना होता है कि उसके घर में स्वस्थ, सुंदर और गुणी संतान हो। सनातन परंपरा में संतान का होना भी सौभाग्य का सूचक माना जाता है, क्योंकि संतान होने पर हमारे पितृ इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं कि अब उनका श्राद्ध तर्पण करने वाला उत्तराधिकारी पैदा हो गया है। इसी तरह किसी भी स्त्री की खुशियां तब तक अधूरी मानी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, क्या आपको पता है कि समस्त स्त्रियां गर्भवती किस श्राप के कारण होती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि वह कौन से मुनि थे जिन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था कि वह आज के दिन से सभी स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब उनके पास माता पार्वती आती है और कहती हैं, हे प्राणनाथ, आज मैं आपके पास एक प्रश्न के उद्देश्य से आई हूँ। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, बताओ कौन सा प्रश्न है तुम्हारा। तब पार्वती कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे चराचर जगत के स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन से आर्षि मुनि थे जिन्होंने कलयुग की स्त्री को ही गर्भ धारण करने का श्राप क्यों दिया। देवी पार्वती आगे कहती हैं कि स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है, संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है। यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, यह प्रश्न प्रत्येक कलयुग की स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां गर्भवती नहीं होती थीं। हे देवी पार्वती, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं, लेकिन इस कथा को तुम्हें पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे चराचर जगत की स्वामी, हे भगवान भोलेनाथ, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी। तब भोलेनाथ कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही मैं सभी के 12 पाप नष्ट कर देता हूं। जो इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करता है, उसका अवश्य ही उद्धार होता है। भगवान भोलेनाथ अब उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मदेव ने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक आर्षि मुनियों की रचना की है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं की भी रचना की है। ब्रह्मदेव ने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। परंतु हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, आर्षि पुलत्स्य का जन्म ब्रह्मा से हुआ। पुलत्स्य ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। ब्रह्मा ने पुलत्स्य को अनेक प्रकार की विद्या प्रदान की तथा पुलत्स्य के प्रकट होने का उद्देश्य उन्हें समझाया। फिर ब्रह्मा ने पुलत्स्य को संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। ब्रह्मा की ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। पुलत्स्य वहां पर आश्रम का निर्माण करके घोर तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी समय अनेक गंधर्व देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलत्स्य पर पड़ी तो वे सभी उनकी पुलत्स्य की तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलत्स्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलत्स्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी। तभी पुलत्स्य ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी देते हुए कहा कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलत्स्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उसी समय पर्वत पर कंधर राशि तृण की कन्या हविभुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलत्स्य के कहे गए वचन को वह नहीं जानती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर आर्षि पुलत्स्य तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती,
तृणबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलत्स्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हवि महर्षि पुलत्स्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलत्स्य की दृष्टि पड़ते ही पुलत्स्य के श्राप का प्रभाव हवि भुवा पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हवि भुवा अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं। तो हवि भुवा ने उसे उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हवि भुवा की सखियां उसे लेकर उसके पिता के पास चली गई। वहां जाकर हवि भुवा ने अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया अपनी पुत्री की। यह बात सुनकर महर्षि तृणबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलत्स्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, वहां पर उन्होंने महर्षि पुलत्स्य को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। आशितरण बिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से आर्षितरण बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलत्स्य से विनती की। तरण बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलत्स्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हवि भुवा को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने आर्षितरण बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता ना करो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि पुलत्स्य ने आर्षितृणबिंदु की कन्या हवि भुवा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तदुपरांत तृणबिंदु की कन्या हवि भुवा महर्षि पुलत्स्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलत्स्य से भी देवी हवि भुवा की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन पुलत्स्य ने हवि भुवा से कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर कुछ समय के उपरांत देवी हविभुवा ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलत्स्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धना अध्यक्ष बना दिया। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया।
कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंध मादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का सवा भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक बार मैंने ही तुम्हारे लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया था। उस लंका के गृह प्रवेश के समय मैंने आर्ष विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। आर्ष विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में आए थे। जब मैंने विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से विश्रवा को लंका मांगने के लिए विवश कर दिया और मैंने वह लंका उन्हें दान में दे दी थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हाँ प्रभु, मुझे याद है। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से यह भी पूछते हैं कि क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुमने क्रोध में आकर कैकसी को श्राप दिया था और श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी यह सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। तब देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे सब कुछ याद है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जिसके बाद विश्रवा जी को मैंने जो लंका प्रदान की थी, उस सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में मेरे ही एक अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला था। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। ब्रह्मा ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में ब्रह्मा को सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। ब्रह्मा ने समस्त स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो सके। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो में हर हर महादेव कमेंट अवश्य कमेंट करना। मित्रों, आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।